हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। आज जो है मैं इस पूरे चैप्टर का एक रिव्यू दे रही हूँ। कि इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में जो करवाया था वो था सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर। यानी कि जो वेस्ट वाटर मिल रहा है हमें, कहाँ कहाँ से हमें नज़र आ रहा होता है कि कहाँ से आ रहा है, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं। इसके दो मेजर सोर्सेस आपको बताए गए थे, एक बताया गया था म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर और एक बताया गया था इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के बारे में आपको बताया था कि कहाँ से आते हैं, जैसे कि आपके घरों से आ रहा होता है, होम से, स्कूल से, ऑफिस से जो आ रहे होते हैं ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कहलाता है। और जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है इसकी दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, एक कहा गया था एक ग्रे वाटर कहलाता है और एक ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर किसको कहा गया था, जो कि किचन और बाथरूम से जो आने वाला वेस्ट वाटर है वो ग्रे वाटर, और जो टॉयलेट से वेस्ट वाटर आता है उसे ब्लैक वाटर कहा था। ठीक है, इसी तरह सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर की सेकंड टाइप जो आपको एक्सप्लेन की गई उसको कहा गया था इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज से हमें मिलना होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स भी शामिल होते हैं, पेंट शामिल होते हैं, इसमें बहुत से हार्मफुल मटेरियल्स भी इसमें शामिल होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से वाटर में शामिल हो रहे हैं। और बाज़ दफ़ा जो इंडस्ट्रीज होती हैं रॉन्ग वे से जो है ये वेस्ट वाटर को पॉन्ड्स और लेक में भी शामिल कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर के अलावा मैंने आपको फिर रेन वाटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। जो रेन वाटर से यानी कि जो बारिश से जो हमें पानी मिल रहा होता है इसके लिए भी जो है प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है कि ये जो रेन जो से जो हमें पानी मिल रहा होता है ज़्यादातर आप देखते हैं कि शहरों में भी जो है सिटीज़ वगैरह में भी जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम होता है, खुला हुआ सिस्टम होता है, जिससे कि ये पानी जो है फ्लो कर रहा होता है। और जो ये खुले हुए ड्रेनेज सिस्टम होते हैं इसमें क्या होते हैं मुख्तलिफ किस्म के अगर आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट शामिल हो जाए, यानी कि प्लास्टिक है, जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह बहुत ज़्यादा जो है मौजूद है, तो वो क्या है इस पानी में शामिल जब होती है तो आगे जब ये फ्लो हो रहा होता है इसका पानी का बारिश में आप देखते हैं तो ये क्या ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इस जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह हैं जो इसकी वजह से जो है पानी जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और आगे नहीं फ्लो हो पा रहा होता है। तो ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि बाकायदा जो है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि ब्लॉक कर देते हैं इन पाइपलाइंस को। ठीक है, और ओपन रेन जो इसमें जो ड्रेन से होके जा रही होती है तो ये जो होते हैं अगर किसी जगह ये पानी जमा हो जाता है तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट जैसे कि मॉस्किटो का जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में ये बढ़ने लगते हैं मॉस्किटो, और मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ और इन्फेक्शन होते हैं जिसमें मलेरिया की बीमारी जो है कॉमन है। जो पानी किसी जगह पे अगर रहे और वो बकायदा उसका ड्रेनेज सिस्टम ना हो तो एक जगह जमा हो तो वहाँ पे जो है मॉस्किटो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ते हैं, फैलते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन होती है और जो है ये डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इसके बाद आपको जो है मैंने जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो था ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको बताया गया था, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेस इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल्स ऑफिसेस एंड अदर यूजर्स।
इज कॉल्ड ड्रेनेज, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें के जो के वेस्ट वाटर है इसको जो है रिलीज हो रहा है वो प्रॉपर जो है एक जो है ड्रेनेज से होकर जो है आगे की तरफ जा रहा है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है, बाकायदा पाइपलाइंस वगैरह मौजूद हैं इसकी, जिससे कि ये जो वाटर है वेस्ट वाटर है वो इसमें फ्लो कर रहा है, खुले एरिया में नहीं फ्लो कर रहा है। तो ये जो एक सिस्टम बनाया जा रहा होता है ये ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। और इसके जो होते हैं बहुत से इम्पॉर्टेंस भी हैं, जिस क्यों बनाया जा रहा होता है, रीजंस बताए गए थे, बाकायदा पूरा आपको लेक्चर एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से जो है एक साफ सुथरा जो है वो क्लीन जो है हमें एनवायरनमेंट मिलता है, कोई स्मेल्स वगैरह नहीं आती है, अगर बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम ने ये वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा होता है। और इससे जो है डिजीज भी नहीं फैलती है, क्योंकि ये बाकायदा एक जो है फ्लो जो हो रहा है पाइप्स में फ्लो हो रहा होता है, और इस तरह जो है वाटर पोल्यूशन भी जो है वो नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन किया गया वो था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बकायदा मैंने आपको पूरा इसका बना के बताया था कि इसके ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसको किस तरीके से मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के मुख्तलिफ प्लांट एक बनाया जाता है, जिससे कि मुख्तलिफ प्रोसेस से जो है वो ये गुजरता है वाटर और फिर जो है साफ होता है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तलिफ आपको बताए गए थे, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है, फिर सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि जब प्राइमरी ट्रीटमेंट जब की जा रही होती है, जिसे आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया था पहले के, जैसे मैकेनिकल प्रोसेस कहलाता है, तो इसमें वैसे जो होते हैं कि अगर जो कलेक्ट किया गया है ऐसा पानी, तो उसमें सॉलिड जो वेस्ट होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, और फिर जो है जो बाज़ ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो इसमें अगर जो शामिल हो तो वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ उस टैंक में बैठ जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, और जिसको प्राइमरी स्लज का नाम दिया गया था। फिर इसी तरह सेकेंडरी ट्रीटमेंट से उस वाटर को गुजारा जाता है। ठीक है, और फिर इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज वगैरह को भी एंटर किया जाता है, ताकि वो जो है वो इसमें जो मटेरियल मौजूद है उसको जो है वो डिकम्पोज कर दें। ठीक है, इसके बाद फिर इसी तरह टर्शरी जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है केमिकल्स को जो है जो डिसॉल्व होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ इसके स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया गया था कि इस बेस वाटर ट्रीटमेंट में दरअसल होता क्या है कि उस वाटर को साफ करके दोबारा इस्तेमाल में, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह में जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है इस पानी को, ताकि जो है वो हमें पानी जो है वो मिल सके और जो है एग्रीकल्चर में भी जो इसका फ़ायदा हो, उसके प्लांट की ग्रोथ हो सके। ठीक है, इसके बाद आपको जो एक टॉपिक मैंने करवाया था वो टॉपिक था आपका यूट्रोपिकेशन का। और यूट्रोपिकेशन में एक्सप्लेन किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जब वाटर बॉडीज रिसीव एक्सेस न्यूट्रिएंट दैट स्टिमुलेट एक्सेस एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें के वाटर जो है वो हासिल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट, और जिससे कि जहाँ पे जगह पे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसका पूरा एक लेक्चर था जिसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद जो टॉपिक था हमारा वो था मेजर टू कंट्रोल सीवेज। ठीक है, हम किस तरीके से सीवेज के जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है मुख्तलिफ स्टेप बताए गए थे कि सीवेज के वाटर में जो है मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर है या
जो है ऑयल वगैरह है इसको नहीं फेंकना चाहिए सेवेज के वाटर में, बल्कि इसके लिए जो है सारी बातें जो प्लास्टिक वगैरह है तो इसको आप डस्टबिन यूज़ करें। और जो है इसमें बकायदा आपको तो बताया गया था कि मेजर टू कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं सेवेज का, कि सेवेज की जो लाइंस वगैरह हैं अगर वो टूट गई हैं, लीक हो रही हैं, तो उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेवेज, यानी कि अगर हम ये सीवेज के वाटर के सही से उसकी मैनेजमेंट नहीं करें तो क्या हो रहा होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है अगर जो है आपने प्रॉपर जो है सीवेज का वाटर की जो है पाइप्स नहीं उसको बनाए गए, पूरा एक जो सिस्टम होता है वो नहीं आपने कहीं पे बना है, तो इससे क्या होता है कि जो है वाटर जो है कंटेमिनेशन होती है। इसके अलावा जो है पोल्यूशन जो हो रही थी फैल रही होती है, डिजीज कॉज हो रही होती हैं। ठीक है, और इसका जो होता है कि अगर जो है सीवेज के वाटर अगर आपके जो है पानी में शामिल हो रहा है, ऐसे पानी में जैसे कि मैरीन जो लाइफ है वो भी जो होती है उसका असर पड़ रहा होता है, उस पर इफेक्ट पड़ रहे होते हैं अगर ये सीवेज का वाटर उस पानी में शामिल हो रहा है जहाँ पे जो है एनिमल्स और प्लांट हैं वाटर में, वो भी उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है प्रॉपर जो है वो सीवेज की मैनेजमेंट नहीं करते। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइक्लिंग। यानी कि जो वेस्ट वाटर है अगर हम उसकी किस तरीके से सही से मैनेजमेंट कर सकते हैं, सही इस किस तरीके से कौन से ऐसे मेथड यूज करें कि प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बनाएं और जो है उसमें जो वेस्ट वाटर है वो फ्लो हो, और इस तो उससे जो है डिजीज भी कॉज नहीं होंगी। और इसके अलावा जो है आपको बताया गया था कि इसमें जो रिसाइकलिंग यानी कि ऐसे प्रोसेस से वेस्ट जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं उनके कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह या जो ग्लास है उसको रिसाइकल करके दूसरे आर्टिकल्स, दूसरे जो है ऑब्जेक्ट बनाए जाएँ ताकि इसको इस्तेमाल में किया जा सके। और जिस तरह जो वाटर में शामिल हो रहे हैं वेस्ट वाटर उसमें भी जो है वो बास ऐसे होते हैं जैसे बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताया गया था कि द मटेरियल विच गेट डीकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि डीकम्पोज हो सकते हैं नेचुरली बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो इससे जैसे कि डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट हैं, फूड वेस्ट हैं, तो इसको जो है जब वो बैक्टीरिया से डीकम्पोज होती है तो ये जो है दोबारा से जो इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर सॉइल में ये मौजूद हैं वेस्ट मटेरियल तो उसको जो है एज अ एग्रीकल्चर के तौर पर, एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और दोबारा से कारामद बनाया जा सकता है या रिसाइकलिंग की जाती है मुख्तलिफ चीज़ों की कि आप जो है वो दोबारा से दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकें और उसको रीयूज़ किया जा सकें। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर था जिसको आपको एक्सप्लेन किया गया था वेस्ट मैनेजमेंट का। अच्छा,
अब जो है आपको इस पूरे चैप्टर का मैं एक रिव्यू दे रही हूँ कि जो जर्नल में जो वर्क हुआ है, आपका जो होमवर्क आपको दिया गया था उसका, कि आपके जर्नल में आपका जो होमवर्क लेक्चर्स के एंड में दिया जाता था, तो टोटल कितने जो हैं क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने पास, आप लोग देख लीजिए कि आपको जो मैंने टोटल करवाए हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपके कितने हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसको आप चेक कर लीजिए आपके जर्नल में कितने हो गए हैं और कितने रह गए, तो उसको फौरन कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये तो वो वर्क है जो कि आपको करवा दिया गया है। और आज जो मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, और इस चैप्टर के एंड में जो है वो आपको ये काम हर चैप्टर का ही करना होता है, एक आपका होता है MCQs का, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 186 पे है, ठीक है। MCQs है जो आपके कहाँ पे है, वो पेज नंबर 186, ठीक है, यह आपने करना है, ठीक है, यह आज का होमवर्क है। और इसके अलावा आपका जो है नेम द फॉलोइंग, यानी कि ये ए वाली एक्सरसाइज है और ये बी वाली, ठीक है, नेम द फॉलोइंग, जो कि वन वर्ड आंसर आपको इसमें देने होते हैं, ये भी आपके बुक पेज नंबर 186 पर है, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज आपने करनी है, यानी कि MCQs भी करने हैं आपने, और 5 है MCQs, ठीक है। आप टिक भी करा करें और जो ब्लैंक होती है उसमें फिल भी किया करें, बाद स्टूडेंट्स सब टिक कर देते हैं तो ब्लैंक से उसको जो है फिल नहीं करते। आपने जो है पूरा चैप्टर को जो है इसके पूरे चैप्टर की सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जो आपको एक्सप्लेन किया, जब भी मैंने आपको एक रिव्यू दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर आप इसको फिल करेंगे, बहुत इजी है, आप कर लेंगे, खुद से कीजिएगा इसको। इसके बाद नेम द फॉलोइंग, जैसे वन वर्ड आंसर कहा गया है, ये भी आपने करना है, यानी कि सिर्फ एक वर्ड में आपका इसका आंसर होंगे, ये भी 5 है टोटल, ठीक है। ये आप अपने जर्नल में कर लेंगे तो आपका ये वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आंसर तो आपको करवा दिए हैं, आज का होमवर्क आप ये करेंगे MCQs, और इसके बाद वन वर्ड आंसर आपने करना है चैप्टर के एंड में, तो ये आपका भी ये जो है पूरा एक जर्नल का जो आपका वर्क है होमवर्क इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।